नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस पे आपका हृदय से स्वागत है। और मेरा नाम है गौरव अरोड़ा, मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथ्स पीएड। पिछली दो क्लासेस में बेटा हमने दो मेथड सीखे हैं, एक तो बेसिक इंटीग्रेशन करना और उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत ही हमने थॉरली कर लिया है एक्सरसाइज 7.2 में। आज हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसके फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं क्लास 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री वाले, जो हमने लास्ट क्लास के एंड में भी कुछ डिस्कस कर लिए थे। तो उम्मीद करते हैं पिछली वीडियो आपने हमारी जरूर देख ली होगी और हमारे वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल सब्सक्राइब किया होगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। और बाय चांस अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दिया है तो हमारी वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हमने उसमें किया था जो आगे भी आपको काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और उसमें हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम आएंगे बेटा। और इसके क्वेश्चंस मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा, इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स होकर दे रखे हैं अलग अलग मेथड्स के, जैसे फर्स्ट में अलग मेथड, सेकंड थर्ड में अलग मेथड, इस तरह से। बट मैं आपको इसमें से टाइप वाइज क्वेश्चन निकाल के थोड़े जंबल ऑर्डर में करवाऊंगा, बट क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे और सारी टाइप भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करें और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले करने जा रहे हैं 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 तक थोड़े से हम ऊपर नीचे ऑर्डर में करेंगे, 13 से फिर हम आगे सीक्वल यानी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में कर सकते हैं सीरियल वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसे हमने चुना है क्योंकि इसमें हमें कॉस 2a के एंगल हाफ फॉर्मूले यूज करने हैं। तो दो तीन क्वेश्चन हैं, ऐसे तीन क्वेश्चन हैं जो आपको करवाएंगे इसी मेथड के थ्रू, हाफ एंगल फॉर्मूले कॉस 2a के। तो ये सारे फॉर्मूलाज ना बेटे हम एक साथ ही करेंगे। देखिए, तो 1 माइनस कॉस 2a आपको पता है 2 sin² a होता है डायरेक्टली, तो हमें चाहिए 1 माइनस कॉस x। तो ये बन जाएगा बेटा 2 sin² x/2, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 cos² x/2। 2 से 2 को हम कट करने वाले हैं और sin² x/cos² x बेटा 10² x बन जाएगा, यानी 10² x/2 आ जाएगा। और 10² x में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, ये होता है sec² x-1, क्योंकि ना बेटा 10² x की इंडिशन नहीं होती है, इसको हमें चेंज करके ही करना होगा। अब हमें इंडिशन करना है sec² x/2 का, तो पहले तो ये बन जाएगा 10 x/2, और जब अगेन करेंगे x/2 का तो अपॉन में 1/2 आएगा, यानी इंटू में 2 हो जाएगा, dx आएगा, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और प्लस c लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बेटा कुछ ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे हम। देखिए, क्वेश्चन है हमारा cos x dx upon 1 plus cos x। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम बनाने के लिए हम +1 -1 कर देंगे न्यूमरेटर में और इसको सेपरेट भी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बेटा कटिंग हो रही है, 1 plus cos x से 1 plus cos x कट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, तो 1 इंटू डीएक्स डीएक्स बन गया,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब डीएक्स को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट एक ही स्टेप में करेंगे जब नेक्स्ट इंटीग्रल को भी हमें करना होगा। तो बेटा इसमें दो मेथड है, या तो हम रैशनलाइज करके कर लें वन माइनस कॉस एक्स से, और या फिर इसमें एंगल हाफ फॉर्मूले लगा दें। तो बेटा हम इसमें एंगल हाफ फॉर्मूले ही लगाएंगे, देखिए इस तरह से। तो डीएक्स हमारा सेम आएगा, वन बाय टू को बाहर ले जाएंगे, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा बेटा सिकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो डीएक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी बेटा, वन बाय टू को हम सेम रखने वाले हैं, सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू की टेन एक्स बाय टू अगेन करेंगे अपॉन में बेटा वन बाय टू आ जाएगा प्लस सी। तो ये हाफ से हाफ ना कट हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा एक्स माइनस टेन एक्स बाय टू प्लस सी। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल निकालना है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है बेटा, तो इसमें लगाएंगे हम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा की, ये होती है बेटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो इसमें बेटा ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम सेम रख रहे हैं। डीएक्स का डीएक्स आ जाएगा और वन प्लस कॉस एक्स से वन प्लस कॉस एक्स कट हो जाएगा, वन इंटू डीएक्स डीएक्स आ गया माइनस कॉस एक्स डीएक्स। जो डीएक्स की एक्स हो गई और कॉस एक्स की साइन एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमने एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने एंगल हाफ फॉर्मूले लगाने सीख लिए हैं बेटा, एंगल हाफ फॉर्मूले लगाने हमने सीख लिए हैं। अब हम आ रहे हैं इसकी सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप ये बताती है कि अगर हमें साइन और कॉस की इवन पावर मिल जाए तो हमें कैसे इंटीग्रेट करना होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 5 है, और ऐसा ही आपको एक एग्जांपल भी मिलेगा बेटा, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर तो 5 है बेटा, उसमें दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, इसको ना बेटा पहले हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे और फिर टू से बेटा इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल क्यूब डीएक्स। और बेटा ये टू से डिवाइड मल्टीप्लाई ना अंदर करना था हमें, क्योंकि अंदर अंदर ही फॉर्मूला बनेगा, इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं बाहर वाले को, ये हाफ नहीं आएगा यहां पर।
ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला फॉर्म करते हैं बेटा। इस वक्त इसका ना हम जो है फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते ताकि टू अंदर रहे ब्रैकेट के। देखिए बेटा, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा। और डिनोमिनेटर में जो 2 है इसका हम क्यूब कर देंगे बेटा, तो ये 1/8 आएगा। और ऊपर sin³x यानी sin³ 2x आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, 1/8 को तो बेटा सेम ही चलाना है। अब आपको बात बता रहे थे कि जब हमें साइन और कॉस की इवन पावर मिले, पावर 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है, तो हमेशा हमें उसको ब्रेक करना है बेटा, एक अलग कर देंगे उसमें से। जैसे 3 होगा तो इसको 2 और 1 कर देंगे, 5 होगा तो 4 और 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1/8 को सेम रख दो, साइंस का थीटा को बेटा चेंज कर देते हैं, 1 - cos² थीटा। ये sin²x सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लगाएंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, cos²x को t पुट कर देंगे, cos²x का डेरिवेटिव -sin²x, t का हो जाएगा dt/dx, और 2x का जब अगेन करेंगे ना बेटा तो ये 2 हो जाएगा। तो sin²x dx =dt/-2। देखो बेटा, इसको अपने क्वेश्चन में लेकर आते हैं, 1/8 को सेम रख देते हैं, 1 - cos²t है ना, तो ये 1 - t² बन जाएगा। sin²x dx की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, dt/-2। -2 को देखो बाहर ले आते हैं, ये बेटा -1/16 बन जाएगा, 1 × dt 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 का इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, t आ जाएगा, -(-+), ठीक है। 1/16 तो हमारा सेम ही है, t² के इंटीग्रेशन कर दो, t³/3+c, तो -1/16 सेम रहेगा, t की वैल्यू पुट कर दो, t है हमारा cos²x। नेक्स्ट 1/48 सेम रहेगा, और टी की वैल्यू यहां भी पुट कर दो, तो ये हमारा cos³2x+c। तो बेटा ये देखिए हमारा ये आंसर आ चुका है। अब आप क्वेश्चन 4 को भी बेटा कंप्लीट कर सकते हो, इवन पावर वाला, सॉरी ऑड पावर वाला, ठीक है बेटा। और आपको कराएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। 11 को आप 10 की हेल्प से कर सकते हो, और 10 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हो। तो बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इस अगले क्वेश्चन को करने के बाद। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पर आना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, sin⁴x। dx, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेटा। जब साइन कॉस की हमें इवन पावर मिलती है तो वहां पर हमें एंगल हाफ फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बेटा, एंगल हाफ फॉर्मूला। इस sin⁴ को हम लिख देंगे sin²x का होल स्क्वायर, dx लगा देंगे, sin²x को हम चेंज करेंगे 11th क्लास के एंगल हाफ फॉर्मूले से,
जो cos 2x से बनता है। साइन स्क्वायर एक्स होता है बेटा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx, ठीक है बेटा। अब इसका हम स्क्वायर खोल देते हैं, डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 4 आ जाएगा, देखिए ऊपर लगा देंगे फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना बेटा। ये आ गया हमारे पास 1/4 को सेम रख देंगे, 1 इंटू डीएक्स डीएक्स प्लस 2x dx माइनस 2/4 cos 2x dx, ठीक है बेटा। तो देखिए 1/4 हमारा सेम आएगा, ये dx बन जाएगा प्लस 1/4 इसको भी मिलेगा बेटा वैसे। अब देखिए बेटा dx की तो हम देखो इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है, cos 2x की भी कर सकते हैं। अब जो cos x है हमारे पास, इसमें ना पावर इवन आ रही है, देखिए इस इवन पावर के लिए हमें फॉर्मूला दोबारा से लगाना पड़ेगा, और जब हम cos 2x का लगाते हैं तो एंगल हाफ कर देते हैं, और जब उसका रिवर्स लगाते हैं तो एंगल डबल होता जाएगा बेटा, देखिए ठीक है। तो ये बेटा हमारा बन जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इंटू dx आ जाएगा माइनस 1/2 cos 2x इंटू dx, 1/4 सेम, इंटीग्रेशन ऑफ dx सेम आएगी बेटा, अभी ये 1/8 हो गया, 1 इंटू dx dx प्लस 1/8, ठीक है, cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x dx, ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 को हम सेम रखेंगे, dx की x हो जाएगी 1/8 सेम, dx की x प्लस cos 4x की sin 4x अपॉन 4 इंटू 8 32 हो जाएगा, माइनस cos 2x की बेटा sin 2x अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये। तो अब हम लास्ट स्टेप लिखते हैं इसका, एलसीएम ले लेंगे बेटा, देखिए इसका 8, तो 4 इंटू 2 8, तो ये बेटा हमारा 2x प्लस x बन जाएगा, और 2x प्लस x क्या होता है बेटा 3x प्लस, बाकी सारा सेम आ जाएगा बेटा, बाकी सारा हमारा सेम आ जाएगा। तो क्या रह गया हमारे पास, साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी, ये बेटा हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, टेंथ मैंने करवाया, टेंथ की तरह ही स्केयर के रूल से यानी इवन पावर के रूल से आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, और बिल्कुल सेम करना है अगर आपने साइन की जगह कॉस करके, तो आप क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 11 कर सकते हो। तो ये बेटा टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कॉस के एंगल हाफ फॉर्मूले वाले, साइन कॉस की ऑड पावर, और साइन कॉस की इवन पावर। तो ये क्वेश्चन बेटा हमने कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर आ रहे हैं जिसमें हमें साइन और कॉस बेटा मल्टीप्लाई में मिलेंगे, प्लस माइनस में मिले तो हम उनको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट यहां हमें साइन और कॉस किसमें मिलेंगे बेटा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई से हमें इसको प्लस या माइनस में लाना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके थ्रू।
ठीक है बेटा, फॉर्मूला आपने 11th क्लास में सीख लिया था, बीच बीच में आपको लिखवा देंगे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं बेटा। ऐसे मैंने आपको बताया था थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे कर देंगे, बट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे बेटा इसमें, टाइप वाइज अगर हम करते जाएंगे। तो ये है साइन 3x इंटू कॉस 4x, और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं साइन कॉस का प्रोडक्ट, वो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 6th और 7th है। इन सबको हमें करना है कंप्लीट। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इसको। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं बेटा। इसमें ना हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है। देखिए ये 2 sin a into cos b का फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने इस फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, और अब यहां पर देखिए फॉर्मूला बनाएंगे, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो बेटा ये साइन 7x बन जाएगा इसको हम कर देंगे सेपरेट, और साइन 3x माइनस 4x साइन माइनस एक्स आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है बेटा माइनस साइन एक्स। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 से इंटू कर देंगे, और ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला बनाने से देखिए बेटा ये साइन की टर्म ना हमारी प्लस में आ गई है, तो इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली। 1/2 सेम रहेगा बेटा, साइन 7x की क्या हो जाएगी माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और साइन एक्स की हो जाएगी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो बेटा सी की देखिए वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, माइनस कॉस 7x अपॉन 14 माइनस माइनस प्लस, 1/2 रहेगा सेम प्लस सी। ठीक है, देखिए बेटा ये आंसर आ चुका है। एक फॉर्मूला हमने लगाया जिससे उसको कन्वर्ट कर दिया है, और ये क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन और करवाने जा रहे हैं जो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड है, और देखिए बेटा वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 3rd और 6th बेटा सेम है, इसमें 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स के लिए ये रूल होता है कि हम किसी भी 2 में फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, किसी भी 2 में, कोई पेयरिंग की हमें नीड नहीं है इसमें, हम डायरेक्टली कोई भी 2 टर्म्स लेके फॉर्मूला अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स में भी लगाना पड़ता है, इसमें 2 बार लगते हैं बेटा फॉर्मूलास, ये ध्यान देने योग्य बात है इसमें। तो हम 2 से डिवाइड करके बेटा पहले 2 में ही लगा रहे हैं फॉर्मूला। देखिए 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, सिर्फ हम साइन 2x को ना पहले लिख देंगे बेटा इसमें। तो 2 sin 2x इंटू साइन एक्स, इसमें बेटा फॉर्मूला पहले आपको लिखवा देते हैं, ये बनेगा हमारा 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, तो बेटा ये बनेगा cos
ए माइनस बी, इसमें रिवर्स हो जाता है बेटा, क्योंकि ना एक माइनस आता है उससे हमें इसको रिवर्स करना पड़ता है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कर देते हैं इसमें कॉस ए माइनस बी, यानी कि टू एक्स माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। साइन थ्री एक्स अभी सेम है क्योंकि हमने उसको अभी फॉर्मूले में यूज नहीं किया। तो कॉस टू एक्स माइनस एक्स बेटा हमारा कॉस एक्स हो जाएगा और ये कॉस थ्री एक्स हो जाएगा। इसको भी सेम रख दो। अब इसके ना बेटा हमें ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। देखिए साइन थ्री एक्स से इसको इंटू कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस वन बाय टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स डी एक्स। अगेन फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा पिछली क्लास पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला बनेगा इसमें, टू साइन ए इंटू कॉस बी का। उसके लिए हमें टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमने कर दिया है। नेक्स्ट में भी बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैंने डायरेक्टली फोर ही लिख दिया है। डीएक्स हमारा सेम आ जाएगा तो टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी बनता है बेटा, यानी साइन फोर एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस वन बाय फोर को सेम रखिए, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा ये साइन टू थीटा आ जाएगा, यानी साइन सिक्स एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करते हैं बेटा इंटीग्रेट, वन बाय फोर सेम रहेगा, कॉस साइन फोर एक्स की हो जाएगी बेटा कॉस फोर एक्स अपॉन फोर, तो ये इसको सिक्सटीन बना देगा बेटा, ठीक है। इधर भी साइन टू एक्स की कॉस टू एक्स अपॉन टू इंटू फोर एट हो जाएगा, माइनस साइन सिक्स एक्स की कॉस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर प्लस सी, और इसी के साथ ये हमारा आंसर आ गया है। अब बेटा आप इसमें क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेल्व कंप्लीट कर सकते हो, वन टू ट्वेल्व बेटा आप कंप्लीट कर सकते हो। हर टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं और उनको सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है बेटा। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। सबसे पहले आप आइडेंटिटीज को दोबारा एक बार रिवाइज करिए, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे बेटा। तो 12 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय।